हे गाइस, पठान साहब बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज है ईद और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:20 हो रहे हैं और 7:15 पे ईदगाह में नमाज है। तो अभी हम लोग ईदगाह के लिए निकल रहे हैं। मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या पहना है मैंने। और मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि पापा के जल्दी जल्दी करने का कह रहे थे, इसलिए ब्लॉग नहीं कर पाया। तो अब चलते हैं ईदगाह और आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। तो चलिए चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं घर के और अभी पीछे अब्बा खड़े हुए हैं और उधर मीरान भाई खड़े हुए हैं। दिखाते हैं आप लोगों को, मीरान भाई खड़े हैं, अल्पेश भाई खड़े हैं। अल्पेश भाई अभी आ रहा है ऊपर से, तो फिर निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं रास्ते में कितनी भीड़ मिलती है और ईदगाह में नमाज मिलती है हम लोगों को, नहीं मिलती है। मिल तो जाएगी क्योंकि बहुत जल्दी निकलना। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, यहाँ से कुछ लोग पैदल भी जाते हैं और हम लोग भी थोड़ी आगे ही गाड़ी खड़ी कर देंगे ताकि पैदल जाएं, क्योंकि पैदल जितना ज़्यादा जाते हैं उतना ज़्यादा सवाब मिलता है मतलब ईद की नमाज के लिए। तो चलते हैं और दिखाते हैं। अभी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दी और देखी हम यहीं से इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही है। अब यहाँ से पैदल चलेंगे अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर चल के। तो भाई देखिए, अभी हम लोग वहाँ पर जाना है, अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, देखिए माशाल्लाह, ये है भोपाल की ईद का। स्लीपर्स उतार लिए हैं हम लोगों ने। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपनी जगह देख लेते हैं। तो गाइस, अब यहाँ पे चादर बिछाते हैं अपनी जगह के लिए और बैठते हैं। ये देखिए आप लोग माशाल्लाह। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं कितनी तादाद में लोग आ चुके हैं यहाँ पे ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء
करो, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ही ना देखे, कोई जाने ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला जानता है। हजरत यूनुस अलैहि सलाम ने मछली के पेट में जाकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, उन्होंने ये किया। बंदा ने उनको दुआ को सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। بعد هذا التكبير نحمد الله سبحانه وتعالى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره चलते हैं, अपनी चादर पे कर रहे हैं मीरान भाई, ये सब पहले लेके चलते हैं अब यहाँ से। ये माशाल्लाह कितने सारे लोग हैं। من يشع فيها نوار وأنوار، مبارك زوجها جاءت على درار، زوج النقائب تتويج وإبهار، كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار، كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار. على جبين سعادتي وأذكاري تجري الحروف بأشواق وتزدهري، هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأخياري، أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. गाइस फाइनली अपनी गाड़ी जहाँ पार्क करी थी वहाँ पे आ चुके हैं, धक्का मुक्के खा खा के। अभी भी देखिए यहाँ पे भी कितनी भीड़ हो रही है। मैंने फ़ोन निकाला था ब्लॉक करने के लिए, पर अपने आप इतनी बार पासवर्ड डाला कि फ़ोन ही लॉक हो चुका था। ये अब अनलॉक हुआ है तो अब मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो अब गाड़ी निकालते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने घर की तरफ। देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जाते हैं ये रोड के बीच में लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हो और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी ना करा करें, इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पड़ता है। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पठान साहब टेकिंग ऑफ।